वीडियो शुरू करने से पहले ये लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन जहां कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करके इसका कलर चेंज कर दो, और इस पे क्लिक करने के बाद में इसके पास में ही आपको ये जो घंटी का निशान दिखाई देगा मेक श्योर कि आपने इस पे भी क्लिक कर रखा है, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये है मेरा बिग बिलियन डेज की शॉपिंग में से सेकंड आइटम। फर्स्ट का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो कि था एक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये जो सेकंड आइटम है ये है एक ट्रिमर जो कि है फिलिप्स का। तो इससे पहले भी जो है मैं काफ़ी टाइम से फिलिप्स का एक ट्रिमर यूज़ कर रहा था, जिसका वीडियो भी मैं बहुत टाइम पहले डाल चुका हूँ अपने इसी चैनल पे। हालांकि वो ट्रिमर अभी जो है डिसकंटिन्यू हो चुका है, पर फिर भी अगर आप वो देखना चाहते हो तो उसका भी लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा। और वो ट्रिमर आप देख सकते हो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, और ये अभी भी जो है मेरा चल रहा है। इसको जो है ऑलमोस्ट 4 साल अभी हो चुके हैं मेरे को यूज़ करते हुए, और ये अभी भी वर्किंग कंडीशन में है और अच्छा खासा काम चल जाता है इससे अभी भी। पर इसका जो है बैटरी बैकअप अभी काफ़ी जो है वो लो हो चुका है, और बाकी भी थोड़ा बहुत फंक्शनिंग में इसके इतना अभी पहले इतना अच्छा ये नहीं रहा। तो इसके लिए मैंने अभी परचेज़ किया है ये वाला ट्रिमर जो कि है 7000 सीरीज़ का, और इस पहले वाले ट्रिमर से भी ये जो है काफ़ी एडवांस है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बॉक्स में इसके साथ काफ़ी सारी एसेसरीज़ जो है वो भी मिल जाती है, और इसका बैटरी बैकअप भी जो है वो काफ़ी अच्छा खासा है। कंपनी क्लेम करती है कि इसको आप 2 घंटे तक नॉनस्टॉप यूज़ कर सकते हो एक बार फुल चार्ज करने के बाद में। और जैसे कि आप पीछे यहाँ पे बॉक्स के पीछे की साइड में आप देखोगे तो आप देख सकते हो इसमें 3 से 4 जो है डिफरेंट डिफरेंट अटैचमेंट्स आपको मिल जाते हैं, जो कि आपको ऑलमोस्ट फुल बॉडी ग्रूम करने के लिए काम में आते हैं, और उसके साथ में काफ़ी सारे कॉम्ब्स भी मिलते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये बॉक्स बिल्कुल सील पैक है। तो अभी इसको करते हैं ओपन। तो ये यहाँ पे एक कार्ड मिल जाता है आपको, जिसके थ्रू इस पर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि इन इंस्ट्रक्शंस को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको एक्सटेंडेड वारंटी जो है इसकी मिल जाती है। तो ये ट्रिमर मैंने अपनी विश लिस्ट में काफ़ी टाइम से ऐड कर रखा था, और इसकी प्राइस वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे आपको मिल जाती है इसका एक यूज़र मैनुअल काइंड ऑफ, कि कैसे कुछ इसके अटैचमेंट्स जो है आपको यूज़ करना है इस पर अटैच करके। सारे अटैचमेंट्स के बारे में डिटेल में यहाँ पे समझा रखा है। उसके अलावा यहाँ पे यूज़र मैनुअल और ये और कुछ डॉक्यूमेंट्स है। तो अभी चलिए वन बाय वन देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको इसके साथ में मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं अपनी मेन यूनिट। तो ये ट्रिमर वैसे तो देखने में आपको लग रहा होगा कि मेटल बॉडी है, पर ये मेटल नहीं है, प्लास्टिक बॉडी है, पर काफ़ी अच्छा खासा फाइबर आई थिंक यूज़ किया गया है यहाँ पे। साइज़ वाइज भी जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक ठाक साइज़ का है अच्छा खासा। पहले वाला हालांकि इसके साथ कंपेयर करूँ तो ये वाला थोड़ा सा इससे छोटा था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पर ऑलमोस्ट सिमिलर है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अभी आई थिंक इसकी बैटरी जो है पूरी ड्रेनड आउट है। जैसे मैं इसको यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये रेड लाइट जो है ब्लिंक कर रही है। और जैसा कि इसके बॉक्स पे मेंशन कर रखा है, ये ट्रिमर जो है शावर प्रूफ है पूरी तरह से, वाटर प्रूफ नहीं है पर शावर प्रूफ है, आप इसको शावर में भी जो है यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका चार्जर, जो कि अगर आपके पास फिलिप्स का कोई भी ट्रिमर है तो आपको पता होगा काफ़ी बेसिक साइज का ये चार्जर होता है, तो वही वाला इसमें भी दे रखा है। माइक्रो यूएसबी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इसको मैं लगा देता हूँ चार्जिंग पे पहले, ताकि जब तक अपन बाकी चीज़ें देखें ये थोड़ा बहुत चार्ज हो जाए। तो जैसे ही आप इसको चार्जर से कनेक्ट करते हो यहाँ पे आपको वाइट एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है, जो कि कुछ इस टाइप से जो है ब्लिंक करता रहेगा जब तक ये चार्ज होगा, और आई थिंक उसके बाद में स्टॉप भी हो जाता होगा, क्योंकि ये मेरे पहले वाले जो ट्रिमर है उसमें ये फीचर नहीं था। उसमें लाइट भी जो है ये वाली चार्जर के ऊपर ही दे रखी थी, और वो ब्लिंक नहीं होती थी, कंटिन्यूसली जलती रहती थी, और लास्ट में जो है जब फुल चार्ज हो जाता था उसके बाद में भी उसका कोई सिग्नल नहीं था कि जिससे कि पता चल जाए कि ये फुल चार्ज हो चुका है। अभी उसके साथ में ये सेकंड अटैचमेंट जो है, फर्स्ट ब्लेड तो आप जैसे कि देख सकते हो ट्रिमर के ऊपर ही पहले से अटैच्ड है, तो ये आपकी फर्स्ट ब्लेड हो गई। सेकंड जो है ये है आपका बॉडी ट्रिमर आई गेस, तो ये अटैचमेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है बॉडी ट्रिमिंग के लिए, और इस अटैचमेंट के साथ में भी एक अटैचमेंट दे रखा है। जैसे कि अगर आपने मेरा हेवल्स वाला बॉडी ग्रूमिंग वाला अगर ट्रिमर नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, उसमें आप देख सकते हो सिर्फ यही फीचर के साथ में वो आता है, तो वो बॉडी ग्रूमिंग का काम करता है। उसके बाद में नेक्स्ट अटैचमेंट जो है वो है आपका डिटेल ट्रिमिंग के लिए यूज़ होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी बारीक सी जो है इसकी ब्लेड भी है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपकी जो डिटेलिंग के लिए है वो काम आता है आपकी, जैसे जो बियर्ड के लिए आप लाइनिंग वगैरह सेट करते हो उस सब के लिए, तो ये डिटेल और ट्रिमिंग के लिए इसका अटैचमेंट है। और उसके बाद में नेक्स्ट आपको जो मिल जाता है वो है आपका नोज़ ट्रिमिंग के लिए, तो नोज़ के जो एयर्स है उनके लिए आपको ये नोज़ ट्रिमर मिल जाता है।
तो ये तीनों इसके मेन अटैचमेंट्स है, आपका डिटेल ट्रिमर, नोज ट्रिमर और बॉडी ग्रूमिंग। उसके साथ साथ आपका मेन जो नॉर्मली अपना होता है वो तो है ही, और उसके अलावा बाकी जो कुछ भी यहाँ पे, ये सारे हेयर कॉम्स है, जो कि अगर आप अपने हेयर कट जो है इस ट्रिमर के साथ करना चाहो तो काफ़ी अच्छे से इन अटैचमेंट्स के साथ में कर सकते हो। और यहाँ पे ये आपको एक क्लीनिंग ब्रश भी मिल जाता है। ये छोटे बड़े मिला के कुल मिला के आपको 8 जो है अलग अलग आपको कॉम्स मिल जाते हैं आपके लेंथ के हिसाब से, हेयर कट के लिए भी और बियर्ड के लिए भी। तो 8 डिफरेंट साइज़ के आपको कॉम्स यहाँ पर मिल जाते हैं। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ कॉम्स की, तो मेरे को ये वाला पैटर्न जो है काफ़ी यूज़फुल लगता है। इसमें आपको ज़्यादा लेंथ वगैरह डिसाइड करने में प्रॉब्लम नहीं होती, और आई थिंक ये काफ़ी एक्यूरेसी से आपके हेयर की लेंथ जो है वो सेट कर देता है। जैसे कि अगर आप अपन इस वाले की बात करें, तो इसमें एक डिफरेंट टाइप का कॉम्ब आया करता था जो कि था ये वाला। तो ये वाला एक ही कॉम्ब में इसकी जो है सारी लेंथ सेटिंग दे रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1 to 18 करके। तो सारी सेटिंग्स जो है आपको इसी कॉम में होती थी, और ये वाला यहाँ पे अटैच जो है कुछ इस तरह से होता था। तो ये वाला है तो वैसे काफ़ी सही, अच्छी खासी ट्रिमिंग ये भी कर देता था, पर मेरे को पता नहीं क्यों पर ये वाले ज़्यादा इफेक्टिव लगते, और मेरे पास पुराने एक ट्रिमर में इसी टाइप के कॉम्स थे तो वो मेरे को काफ़ी इफेक्टिव लगता था। और आजकल जो फिलिप्स के बाकी भी नॉर्मल जो नए मॉडल्स हैं उनमें भी आप देख सकते हो कि यही वाले इसी टाइप के कॉम्स आपको देखने को मिलते हैं, और वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक रोटेट करने के लिए ऑप्शन दे रखा होता है, उसके थ्रू आप जो है इसको एडजस्ट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि इन कॉम्स को अटैच और डिटैच करना बहुत ही ईजी होता है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी इसको अटैच करने के लिए आपको जस्ट इसको यहाँ पे पुट करना है और पीछे से इसको आपको प्रेस करना है। और ये वाले जो कॉम्स है ये भी बिल्कुल बेसिक नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे एक रोटेट करने का ऑप्शन इसमें भी दे रखा है, जिसके थ्रू आप इसकी जो है साइज़ वो बढ़ा और घटा सकते हो। तो आप देख पा रहे हो या नहीं मेरे को नहीं पता, आप यहाँ पे देख सकते हो आई गेस। ये देखो जैसे ही मैं इसको साइज़ जो है एडजस्ट कर रहा हूँ, उसके साथ साथ ये जो है ऊपर नीचे हो रहा है कॉम्ब। तो यहाँ से आपकी लेंथ जो है हेयर की वो एडजस्ट हो जाती है। ये वाला फीचर जो है इसी कॉम्ब में दे रखा है, ये आई थिंक बियर्ड के लिए है, और बाकी वाले जो है वो सारे बेसिक है बड़ी साइज़ के लिए। हाँ जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल से है, इनमें ऐसा कुछ भी फीचर नहीं दे रखा है, ये सिर्फ आपके यहाँ पे डिटैच होंगे और अटैच होंगे। तो बाकी किसी भी कॉम्ब में आपको ये वाला फ़ीचर नहीं मिलता, ये सिर्फ आपको इसी कॉम्ब के साथ में मिलेगा। तो अभी इसको कुछ 5-10 मिनट तक अपन ने चार्ज किया है, और अभी ऑन करके देखते हैं। ये आप देख सकते हो ऑन हो गया है, पर अभी भी बैटरी जो है फुल्ली चार्ज नहीं है। तो बेसिकली ये सारा कुछ जो है आपको इस ट्रिमर के साथ में मिल जाता है, और ये इसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो भी मैंने आपको दिखा दी है। और अभी इसको अटैच और डिटैच करने का जो फीचर है, इसको सिंपली आपको प्रेस करना होता है नीचे की साइड में, तो ये आपका क्लिप जो भी है इसका वो डिटैच हो जाता है, और दूसरा जो कोई भी आपको अटैच करना है वो भी सिंपली उसी तरीके से यहाँ पर अटैच होगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये यहाँ पर नोज़ ट्रिमर जो है अपना अटैच हो चुका है, और सारे अटैचमेंट कुछ इसी तरह से आप जो है इसके साथ में अटैच करके यूज़ कर सकते हो। ये अपना यहाँ पे डिटेल ट्रिमर जो है वो अटैच हो चुका है, और ये डिटैच। तो बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, पर मेरे को एक और फीचर जो चाहिए था वो इसमें मिसिंग है, कि आप इसको जो है ओनली वायरलेसली जो है यूज़ कर सकते हो, इसको कॉर्ड अटैच करके जो है आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो वैसे इसका बैटरी बैकअप जो है ओवरऑल, जैसे कि कंपनी क्लेम करती है 2 घंटे का है, तो उसमें आपको कॉर्ड लगाने की ज़रूरत वैसे भी पड़ने वाली नहीं है। पर कई बार ऐसा होता है कि आपका जो है ये डिस्चार्ज हो रखा हो और आप आधा अधूरा अपना ट्रिमिंग वगैरह कर लेते हो और कहीं बीच में बंद हो जाए, तो वो कॉर्ड वाला फीचर जो है काम आता है वहाँ पे। और अगर प्राइस वाइज ये आपको काफ़ी महंगा लग रहा होगा, वैसे फ़िलिप्स के जो है प्रोडक्ट्स महंगे ही होते हैं, तो इसका एक काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव भी जो है अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे ही। बियर्डो करके एक अपना इंडियन ही ब्रांड है, पर उसका भी जो है मेड इन इंडिया नहीं आता वो प्रोडक्ट जो है, पर फिर भी वो काफ़ी एक अच्छा खासा प्रोडक्ट है, और उसके रेटिंग्स मैंने देखे काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग्स और रिव्यूज़ उसको मिले हुए हैं फ्लिपकार्ट पे। जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये वो वाला प्रोडक्ट है, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये वाला भी अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक के थ्रू जाके परचेस कर सकते हो। इस वाले प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये मेड इन चाइना नहीं है, ये वाला मेड इन इंडोनेशिया है। पर क्या फ़र्क पड़ता है मेड इन चाइना हो चाहे इंडोनेशिया, अपने लिए तो एक ही बात है, मेड इन इंडिया तो है नहीं। और गाइस दूसरी मेरे को इस ट्रिमर में एक कमी लगी वो ये है कि इसके साथ में जो है आपको कोई भी ट्रैवलिंग का जो है पाउच नहीं मिलता, जैसे कि मेरे को इस पुराने वाले के साथ में मिला था, तो वो आपको ट्रैवल करते टाइम काफ़ी इजी रहता है इसको साथ में कैरी करना। सॉरी गाइस, मैंने पहले आपको बोला था कि इसकी जो है 2 ईयर्स की वारंटी है वर्ल्ड वाइड, पर वो वारंटी नहीं गारंटी है यहाँ पर लिख रखा है। तो आई थिंक इसमें अगर कोई भी डिफेक्ट होता है या फिर कुछ भी जो है प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको ये
आई थिंक रिप्लेस होकर मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी डाउट है इस ट्रिमर के बारे में तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसको यूज़ करने के बाद भी मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हो जैसे कि मैंने अभी डिस्काउंट में परचेज़ किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इसकी प्राइस भी जो अभी रिसेंटली चल रही है वो आप चेकआउट कर सकते हो और परचेज़ भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी रिव्यू अनबॉक्सिंग जो भी समझ लो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना वीडियो को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।